आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। आज धनबाद के पुराना बाजार रोड चौड़ीकरण को लेकर रेलवे द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान सड़क के किनारे लगभग 200 दुकानदार रोजी रोटी को लेकर हो जाएंगे वंचित। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि रेलवे द्वारा रोड चौड़ीकरण को लेकर आज रेलवे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व में रेलवे ने हम दुकानदारों को पहले ही नोटिस दे चुकी है, जिसके बाद हम लोगों ने धनबाद SDO से मिलकर कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई थी। वह हम लोगों को SDM से विधानसभा चुनाव के बाद हटने की मोहलत दी। इसके बावजूद आज रेलवे द्वारा हम लोगों को हटाया जा रहा है। दुकान के साथ साथ जो हमारे परिवार हैं उस घरों को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी ठंड का मौसम है, साथ ही विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में हम लोग जाए तो कहाँ जाएं। आपको बताते चले कि इस अतिक्रमण अभियान में अपने घर को टूटता देख महिलाएं बार बार बेहोश हो रही थी। साथ ही उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनकी बेटी की शादी आगामी 4 तारीख को होना है। इसके लिए ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारी से बार बार कुछ और मोहलत देने की मिन्नतें करके आई थी, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि पहले ही रेलवे द्वारा 2 महीना पूर्व में इन लोगों को नोटिस दे दिया गया था। इसके बावजूद यह लोग खाली नहीं किया, अंततः घरों को जबरन हटाया जा रहा है। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। दुकान डेयरी का, लाइट का दुकान है और हम लोग को एक महीना पहले नोटिस दिया था, लेकिन अभी कोई टाइम नहीं दिया। आने के बाद में तुरंत जो है बोला 10 मिनट में खाली कीजिए, और नहीं खाली कीजिए तो चला देंगे। 10 मिनट में हम लोग जो सामान हटाना था हटा लिया, थोड़ा बहुत सामान नहीं रह गया, सब तोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? मेरा कम से कम नहीं तो 80,000। आगे क्या कीजिएगा? रोजगार क्या करेंगे? जो आप लोग फैसला लीजिएगा वही करेंगे। रोड पर आ गए हम लोग, अब दुकान से तो रोड पर आइए थे, और जहाँ दिया जाए हम लोग, जहाँ भी आप लोग का मर्जी है, जहाँ सरकार व्यवस्था करेगा, जहाँ आप लोग इरादा दीजिएगा, जहाँ आप लोग का इच्छा होगा वहाँ जगह दीजिए। चुनाव का ही मौसम है तो कोई जानकारी नहीं है आपके पास? कोई नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? MD असलम। टाइम भी नहीं दिया गया हम लोग को, एक दिन का टाइम मांग रहे थे, टाइम भी नहीं दिए गए। अचानक आया रेलवे का ना कि 2 महीना पहले आप लोग को नोटिस दिया गया था? 2 महीना पहले नोटिस दिया गया था, तो एक दो दिन पहले आगे कम से कम बोल देना चाहिए। सामान हम लोग का नुकसान होगा, बोलने नुकसान होता। अब आप लोग कहाँ जाइएगा, क्या स्थिति होगी आप लोग का? बस मतलब भुखमरी का स्थिति आ गया, अब देखिए आगे क्या करते हैं। कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ पे? करीब 15-20 दुकानदार हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू हुआ।